उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद विकास खंड भगतपुर तांडा क्षेत्र के पटपुरी निवासी सविता पत्नी वीरपाल ने ग्राम पंचायत नकटपुरी खुर्द से प्रधान पद प्रत्याशी के लिए नामांकन किया था। विकास खंड भगतपुर तांडा में रविवार को चुनाव चिन्ह वितरण किए गए। सविता पत्नी वीरपाल भी अपना चुनाव चिन्ह लेने पहुंची तो पता चला कि उनका पर्चा ही रद्द कर दिया गया है। जब उन्होंने ब्लॉक स्तर पर चुनाव के लिए तैनात अधिकारियों से समस्या बताई तो कोई अधिकारी उनकी समस्या सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ और एक दूसरे पर टाल मटोल करने लगे। इसी दौरान प्रत्याशी पति वीरपाल ने फोन के माध्यम से उच्च अधिकारी से बात की तो उच्च अधिकारियों ने भी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, जिसको लेकर कई घंटों तक हंगामा हुआ। वहीं वीरपाल ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनकी पत्नी सविता का अनुसूचित जाति का जाति प्रमाण पत्र करीब एक वर्ष पूर्व तहसीलदार द्वारा बनाया गया था। आज उसी तहसीलदार के कहने पर यह कहकर पर्चा निरस्त कर दिया गया है कि वह अपात्र है, यह अनुसूचित जाति सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकती है। प्रत्याशी पति वीरपाल ने चुनाव के लिए तैयार आरओ सहित अधिकारियों पर मोटी रकम लेकर उनका पर्चा रद्द करने का आरोप लगाया है और कहा कि वह अपने अधिकार के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। वहीं भगतपुर तांडा ब्लॉक में कुछ अधिकारी बिना मास्क लगाए घूमते दिखाई दिए। क्या नाम है सर आपका? वीरपाल सिंह। आप किस ग्राम पंचायत से आते हैं? नकटपुरी खुर्द। ये कौन से ब्लॉक में पड़ता है? भगतपुर तांडा में। आप यहाँ इस समय मौजूद है, निराश है, क्या कारण है? सर हमारा जो पर्चा था नामांकन ग्राम प्रधान का जी, वो लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पे इन्होंने कैंसिल कर दिया है, जबकि उसका कोई तथ्य नहीं बन रहा। अच्छा, किस बेस पे? स्पष्टीकरण साथ वाला नहीं दे पा रहे हैं ये लोग और मतलब गुमराह कर रहे हैं। आपने किसी अधिकारी से बात की इस मामले? ऐसा कोई अधिकारी नहीं बचा जिले में। एडीएम फाइनेंस, एसडीएम सदर, तहसीलदार और तुम्हारे की सीडीओ साहब को कॉल लगाई, फोन नहीं उठा। लगभग सभी अधिकारियों से बात हुई है लेकिन किसी ने भी कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया और ना ही कोई सुनवाई। कारण क्या रहा? कारण कुछ नहीं है, मेरी वाइफ उत्तराखंड से निवासी है, मायका इसका उत्तराखंड का है, इसका जाति प्रमाण पत्र वहाँ की मैगी की रिपोर्ट से जारी हुआ, जो इसको मतलब ये बोल रहे हैं ये लोग कि उत्तराखंड के होने के नाते यहाँ पे एससी का लाभ नहीं ले सकते, जबकि ऐसा कोई जियो नहीं है। जो जियो ये दिखा लगा रहे हैं वो मतलब उसमें कोई ऐसा आधार नहीं बन पा रहा है कि जिसकी वजह से पर्चे कैंसिल। अच्छा, योगी सरकार हमेशा एक नारा लगाती है सबका साथ सबका विकास और यहाँ पे आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो आप इस प्रतिक्रिया पे क्या? फिलहाल में यहाँ ये टूटता नजर आ रहा है क्योंकि कोई भी अधिकारी हमारी सुन नहीं पा रहा। मैं खुद भाजपा कार्यकर्ता हूँ। आप भाजपा कार्यकर्ता है, उसके बावजूद भी आपकी कार्रवाई नहीं हो रही? जी साहब, भूपेंद्र चौधरी मंत्री जी तक का आरओ ने फोन मतलब इग्नोर कर दिया, बात करके उनको मतलब उल्टी सीधी पहाड़ पड़ाए, जिसकी वजह से मतलब कोई रिजल्ट नहीं मिल पाया। आपका की समस्या का समाधान ना होना अधिकारियों की हठधर्मिता सिद्ध करता है या सरकार की थोड़ी कमजोरी? तहसीलदार की हठधर्मिता। तहसीलदार की जी, और साथ में लेखपाल का भी इसमें वो है, और जो आरओ है वो बिरादरी बात पे अपना काम कर रहे हैं। आपको अब यहाँ से इंसाफ नहीं मिला है? जी नहीं मिला है, अगर नहीं मिलेगा तो हम हाई कोर्ट भी जाएंगे, इसमें कोई वो नहीं। आज चुनाव चिन्ह भी वितरण हो गए जी, यदि आपको जैसे आज इंसाफ नहीं मिला तो आप इसके बाद क्या करेंगे? हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और जो लोग हमारे विरोध में आज उनको हम वहां तक लेकर जाएंगे। सर ये आपका जाति प्रमाण पत्र किसने प्रेषित किया था? जो वर्तमान में तहसीलदार हैं नितिन तेवतिया, इन्होंने ही मतलब ये प्रमाण पत्र बनाया था और इन्होंने अभी ये आपत्ति लगाई, इन्होंने ही जारी किया था जी, और यही आपत्ति लगा रहा है, यही इनका कहना है कि कोई लाभ नहीं मिल पाएगा इनको। जी जी जी, पहले जारी करा दिया, अब से दो साल पहले का जारी हुआ है। अच्छा, 2019 में 10वें महीने का। तो सर क्या उस समय इन्होंने जांच नहीं की थी इस बात की? मैंने मैके की रिपोर्ट इन्होंने मांगी थी मुझसे, मैंने मैके की रिपोर्ट प्लस वहाँ के पार्षद का लिखा हुआ प्लस वहाँ का जाति प्रमाण पत्र इनका पुराना, सब संलग्न किए थे, सब संलग्न किए थे, लेकिन आज ये नौबत आ गई है कि इन्होंने उसको सब खारिज कर दिया। जी साहब, मुझे तो ऐसे उम्मीद है कि मोटे पैसे लेकर ये जो मेरा विरोधी है उससे इन्होंने ये काम किया है, काम किया पैसे के आगे सब कुछ हो जाता है, और कुछ ही नेता को नहीं सुन के दे रहे, सबने को इग्नोर कर दिया इन्होंने, मतलब फोन बहुत हुए हैं इधर उधर से जी जी, लेकिन सभी को इग्नोर कर दिया क्योंकि पैसा मोटा जा रखा है। जो शिकायत करता है वो उसको कह रहा है कि मैंने वो काम कर दिया है जो अब इसका कोई तोड़ नहीं है। आरओ साहब ने क्या कहा इस विषय में? अब आरओ साहब तो सब अभी मेरी बात हुई है जी,
तहसीलदार से, तहसीलदार ने कहा जो मैंने लिख के दे दिया, चलो कोई बात नहीं है, लेकिन आर ओ साहब स्वतंत्र हैं जी अपने निर्णय को लेने में। जी जी, आर ओ साहब भी मिली भगत में शामिल हैं, आर ओ साहब का ही पूरा रोल है इस पर्ची को कैंसिल करने में। साजिशन पर्चा कैंसिल हुआ है, आर ओ साहब भी इस विषय में कुछ नहीं कह रहे हैं, कुछ नहीं स्पष्टीकरण दे नहीं पा रहे, मतलब कुछ भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे। उन्होंने लेखपाल के आधार भी वो रिपोर्ट हमें जो दिया वो दे दिया, बाकी उन्होंने कोई स्पष्ट वजह नहीं बताई कि ये मेन वजह है।